Jai Hind to all of you and a very warm good evening. Welcome to Khan Global Studies. सभी जल्दी से जुड़ जाइए तो हम हमारा आज का मैराथन सेशन शुरू करते हैं. आज का सेशन होगा नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स ऑफ जनवरी मंथ. ठीक है, तो अपकमिंग हमारी जितनी भी डिफेंस एग्जामिनेशन है CDS NDA उसके लिए ये हमारा पूरा मैराथन क्लास हम करते हैं. तो जनवरी मंथ की नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ को हम इस पर्टिकुलर मैराथन क्लास में कवर करेंगे. तो जल्दी से ऐड हो जाइए सब सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन एंड लेट मी नो इफ माई वॉइस इज प्रॉपरली कमिंग टू ऑल ऑफ यू. आवाज प्रॉपरली आ रही है या नहीं एक बार बता दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन. ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन. सबसे पहले हम हमारा देख लेते हैं, वी विल बी स्टार्टिंग विथ नेशनल न्यूज. नेशनल न्यूज में मैंने हर बार आपको बताया है कि GI टैग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब GI टैग क्या होता है जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता देती हूँ. इट्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग. ठीक है, तो नाम से हमें पता पड़ रहा है कि ये चीज़ जो भी है GI टैग में कुछ भी हो सकता है. देखो, कपड़े हो सकते हैं, खाने की सामग्री हो सकती है, ग्रेन्स हो सकते हैं, चावल, गेहूँ, दाल हो सकता है. ठीक है, कोई आर्ट हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, कोई भी चीज़ स्पेशल हो सकती है, उस जगह का इंडिकेटर हो सकती है. एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल मैं हर बार देती हूँ, दैट इज़ हम हमेशा बोलते हैं पेठो को हम एसोसिएट करते हैं आगरा से. ठीक है, तुम क्या बोलते हैं? आगरा के पेठे. तो पेठो से क्या हो रहा है, आगरा की स्पेशलिटी बढ़ रही है, आगरा और यूनिक हो रहा है, क्योंकि वो जो पेठे हैं वो सिर्फ आगरा में ही मिलते हैं और पूरी दुनिया में जो पेठे मिलते हैं वो आगरा के पेठे जैसे नहीं होते. सो इट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ आगरा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं महेश्वरी साड़ीज. ठीक है, तो महेश्वरी साड़ीज को हम किससे एसोसिएट करते हैं? महेश्वर से. ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या है, उसी जगह पर मिलती हैं और उसी जगह की यूनिक चीज़ें होती हैं, है ना, इसलिए हम उनको एसोसिएट करते हैं. सो दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग. अब UPSC का ये नया फेवरेट क्वेश्चन बन गया है टू आस्क कि भैया ये जो ज्योग्राफिकल GI टैग है, ये जो चीज़ है, ये किस जगह की GI टैग है, है ना. हमेशा आपको हर पेपर में क्वेश्चन दिखेंगे GI टैग के, तो इसलिए GI टैग हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओडिशा से 7 प्रोडक्ट्स को जो है GI टैग मिला. वो 7 प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं वो हम एक बार देख लेते हैं. सबसे देखो, सिमलीपल काई चटनी है ना, तो सिमलीपल काई चटनी है, एक प्रकार की चटनी है. वो अगर आपसे पूछेंगे पेपर में कि किस स्टेट का GI टैग है तो आप बोलेंगे ओडिशा. वहीं पर कपड़ा गांडा शॉल, ठीक है, तो ये जो शॉल है, शॉल का एक प्रकार है. इसमें हमने देखा था पश्मीना शॉल जो था, ठीक है, ये तो ओडिशा का शॉल है. पश्मीना जो थी हमारी जम्मू कश्मीर की थी. ठीक है, तो एक ओडिशा की शॉल है, एक जो है जम्मू कश्मीर की शॉल है. दोनों ही चीजें ध्यान रखेंगे. नयागढ़ जो है ब्रिंजल है. ठीक है, ब्रिंजल मतलब आप समझते होंगे, ब्रिंजल मतलब बैंगन. ठीक है, तो ब्रिंजल की एक कैटेगरी है, इसका नाम है नयागढ़. ठीक है, ये भी ओडिशा में ही पाया जाता है. आगे हम देखेंगे लंजिया सौरा पेंटिंग. ठीक है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स. बहुत ज़्यादा इंडिया जो है डाइवर्स है, हर जगह में अलग एक यूनिक पेंटिंग का स्किल होता है. तो ये जो हम लंजिया सौरा पेंटिंग देखते हैं ये ओडिशा का है. आगे चलते हैं ओडिशा खजूरी गुड़. ठीक है, तो अगर खजूरी गुड़ पूछेंगे, अब वहां एग्जाम में तो आगे ओडिशा लिख के नहीं भेजेंगे, वहां एग्जाम में सिर्फ खजूरी गुड़ लिखा रहेगा. तो अगर खजूरी गुड़ पूछते हैं तो आप वहां पे लिखेगा ओडिशा. आगे देखते हैं कोरापुट काला जीरा राइस. ठीक है, तो अगर काला जीरा राइस, कोरापुट काला जीरा राइस पूछते हैं तो ये भी कहाँ का है? दिस इज ऑल्सो फ्रॉम ओडिशा. आगे बात करते हैं ढेंकनल मगजी, तो ये भी GI टैग ओडिशा का ही है. ये सारे के सारे हमारे ओडिशा के ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है बच्चों. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा. आगे चलते हैं वेस्ट बंगाल के GI टैग्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. तो वेस्ट बंगाल के भी बहुत सारी चीज़ों को GI टैग मिलता रहता है. अभी किन किन चीज़ों को मिला है देखो, सुंदरबन हनी. अब इस चीज़ को आप एसोसिएट कर सकते हो कि सुंदरबन फॉरेस्ट, जो भी हमारे मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं सुंदरबन नाम से, वो वेस्ट बंगाल साइड हमको मिलते हैं. तो अगर सुंदरबन हनी है तो वेस्ट बंगाल को आप बिल्कुल आग बंद करके टिक लगा सकते हैं. आगे ब्लैक नूनिया राइस. ठीक है, तो ब्लैक नूनिया राइस जो है ये कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का. इसको आप ओडिशा के राइस से जो है कंफ्यूज मत कीजिएगा. ठीक है, ओडिशा के राइस हमने देखे थे तो कोरापुट काला जीरा राइस थे, है ना. यहीं पर अगर हम वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं तो ये कौन सा ब्लैक राइस है? ये ब्लैक नूनिया राइस है. दोनों ही ब्लैक है, बस वो कालापुट है और ये नूनिया है. ठीक है, आगे हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट्स के साथ साथ कुछ साड़ीज भी मेंशन है. तो देखिए
तनगायल, गोरोड़ एंड कड़ियाल साड़ीज। अगर इनका पूछा जाए बच्चों तो ये भी वेस्ट बंगाल के ही हैं। तो हमने कितनी सारी चीजें देख ली वेस्ट बंगाल की, सुंदरबन हनी, ब्लैक नूनिया राइस, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, तनगायल और गोरोड़ कड़ियाल साड़ीज, ये सारी की सारी वेस्ट बंगाल की है। और अभी हमने पिछले में कौन सी देखी थी, सारी की सारी उड़ीसा की। ठीक है, आगे अरुणाचल प्रदेश। तो देखो मेजोरिटी जीआई टैग्स में आपको बता देती हूँ कहाँ कहाँ के होते हैं। हमेशा आपको बहुत सारे जीआई टैग्स जम्मू कश्मीर के देखने को मिलेंगे, आपको बहुत सारे वेस्ट बंगाल के देखने को मिलेंगे, बिहार के देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको साउथ में जाओगे तो आप तमिलनाडु में भी आपको बहुत सारे जीआई टैग्स देखने को मिलेंगे, है ना। और हमारे नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से बहुत ही सारे जीआई टैग्स आते रहते हैं। तो ये जीआई टैग्स की ना कुछ कुछ एकदम ऐसी स्पेसिफिक स्टेट्स हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जीआई टैग्स पाए जाते हैं, तो उन उन स्टेट्स के जीआई टैग्स आप ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, है ना। अब तीन प्रोडक्ट्स हैं अरुणाचल प्रदेश के जिनको जीआई टैग मिला है। अड्डी केकर, ये क्या है, एक जिंजर है, है ना, जिंजर एक प्रकार का अदरक है, तो अड्डी केकर मतलब अदरक। कहाँ का है ये, हो गया ये अरुणाचल प्रदेश का, है ना। हैंडमेड कार्पेट्स, अरुणाचल प्रदेश में जो है हैंडमेड कार्पेट्स मिलते हैं, और वांचू वुडन क्राफ्ट। ठीक है, मैंने बताया भी था कि फर्नीचर, वुडन, कोई भी स्किल, किसी भी प्रकार की यूनिक कला या खाना, कुछ भी यूनिक, है ना, जीआई टैग हो सकता है, डांस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई सा कल्चरल पार्ट हो सकता है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी अ जीआई टैग। तो ये जो वांचू वुडन क्राफ्ट है ये कहाँ का है, हमारा अरुणाचल प्रदेश का, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं गुजरात के बारे में, तो गुजरात की जीआई टैग्स देख लेते हैं थोड़ी बहुत। तो कच्ची खारक, ठीक है, तो ये कच्ची खारक क्या है, ये गुजरात का जीआई टैग है। तो हम सबको पता ही है कि खारक क्या होता है गुजरात में, अगर आपसे पूछ रहे हैं तो गुजरात में कहाँ पर, कच्छ में। ठीक है, अब ये जो सेकेंड फूड रिलेटेड जीआई टैग है गुजरात का, अब इसमें कच्ची खारक के बारे में स्पेशलिटी है कि ये जो है बहुत ही ओल्ड कल्टिवेशन हो रहा है गुजरात में इसका, करीब 500 साल से। ठीक है, तो 400-500 साल से जो है इसका गुजरात में इसका पूरा कल्टीवेशन हो रहा है, किस चीज़ का, कच्ची खारक का। तो एंशियंट कितना है ये, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कच्ची खारक और बहुत सारे ऑप्शंस दे दे स्टेट्स में, तो आप गुजरात टिक लगाएंगे। आगे चलते हैं रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे का तो बहुत बार हमारा डिस्कस हो चुका है बहुत सारे वीडियोस में, अब तो आपको याद होगा कि रिपब्लिक डे पर क्या क्या हुआ है, कौन कौन गेस्ट थे, एक बार और हम देख लेते हैं। रिपब्लिक डे मनाया क्यों जाता है भैया, क्योंकि हमारा जो है गणतंत्र दिवस भी बोला जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन हो गया था उस दिन, इसलिए क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफिशियली। तो ये हमारा क्या है भैया, गणतंत्र दिवस, है ना। तो 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे मनाते हैं। इसमें आगे देखेंगे हम कि और क्या क्या स्पेशलिटी है इस बार के गणतंत्र दिवस में। ओके, तो अब आगे देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ जनवरी 26 डेट्स बैक टू द 1930 पूर्ण स्वराज। अब जो भी बच्चे हमारे क्लास वाले हैं उनके साथ मैंने डिस्कस भी किए थे हमारे डिफरेंट डिफरेंट INC सेशंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस मैंने डिस्कस किए थे आप सभी से, उसमें हमने पूर्ण स्वराज वाला जो है सेशन डिस्कस किया था, इंटरनेशनल सॉरी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें पूर्ण स्वराज जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल डे माना जाता है 26 जनवरी को, पहले के टाइम में जब ये पूरे INC के सेशन शुरू ही हुए थे, दैट वॉज इन 1930, है ना। तो हमने पूर्ण स्वराज को बहुत इंपॉर्टेंस देने के लिए 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में चुना था, क्योंकि हम आजाद तो 15 अगस्त को हो गए थे। पहले ऐसा सोचा गया था कि आजादी वाला दिन भी हम पूर्ण स्वराज वाले ही दिन को मनाएंगे, लेकिन हम पहले ही आजाद हो गए, 15 अगस्त को आजाद हो गए, तो इसलिए हमने 26 जनवरी को स्पेशल बनाने के लिए, पूर्ण स्वराज को स्पेशल बनाने के लिए हमने क्या किया, उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को जो है जारी कर दिया। ठीक है, तो वो पूर्ण स्वराज को कमेमोरेट करने के लिए, उसको ऑनर करने के लिए हमने ये चीज करी है। अब हम आगे देखते हैं रिपब्लिक डे पर क्या क्या हुआ। तो चीफ गेस्ट तो हम सबको पता है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, दैट वाज इमैनुअल मैक्रोन। और इसमें हम आगे देखेंगे कि थीम क्या थी। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक इवेंट, हर एक फंक्शन का थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप UPSC के पेपर्स देने जा रहे हो, है ना, तो थीम जो है विकसित भारत था, और एक और थीम था लोकतंत्र की मातृका। ना वॉट इज लोकतंत्र की मातृका, लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी, मातृका मतलब मदर, है ना, पूरा एक संस्कृत स्लैंग है, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। तो इंडिया को जो है सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है बच्चों। तो ये वाली दोनों ही चीजें आप ध्यान रखिएगा, थीम्स को भी ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं टेबलॉक्स, ये जो है टोटल ऑफ 20 टेबलॉक्स फ्रॉम 16 स्टेट्स, UTs एंड 9 मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट। तो ये तो आपसे नहीं पूछेंगे, हाँ ये जरूर पूछ सकते हैं कि कितनी स्टेट्स और UT के टेबलॉक्स आए थे। तो आप बोलेंगे 25 टेबलॉक्स थे, 16 स्टेट्स से थे, और 9 अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से थे। ठीक है,
अब आपसे पूछ सकते हैं कि भैया टेबल लॉक्स क्या होता है. तो ये जो अलग अलग हमारी जो शो केसिंग होती है ना 26 जनवरी को, झांकियां जिसे बोलते हैं, लिखा भी है देखो, ठीक है, जो अलग अलग शो केसिंग होती है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिक स्टाइल्स की परेड निकलती है. और बहुत सारा हमने देखा था कि इस बार वुमेन कंटिंजेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, वुमेन एम्पावरमेंट की भी बहुत सारी इसमें एग्जाम्पल्स देखे गए थे. तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आती हैं. अब हम देखते हैं नेशनल यूथ फेस्टिवल. नेशनल यूथ फेस्टिवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्यों हो जाता है इंपॉर्टेंट? क्योंकि हम उस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्मदिन है उसको मनाते हैं, ठीक है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर ग्रेट लीडर स्वामी विवेकानंद, है ना. तो हमारी जो है इस बार का नेशनल यूथ फेस्टिवल जो था 27th था. तो आपसे पूछ सकते हैं कि इस बार का नेशनल फेस्टिवल जो है कौन से नंबर का था, ये भी पूछ सकते हैं. कहाँ हुआ था ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है. तो कहाँ हुआ था भैया? नासिक महाराष्ट्र में हुआ था, है ना. हम ये क्यों मनाते हैं और थीम, दोनों ही चीज़ें डिस्कस कर रहे थे. अगेन थीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. थीम्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों. तो थीम्स जो है इस बार दो दो थीम थी, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा फेस्टिवल था तो इसलिए दो दो थीम्स थी. इसमें दोनों ध्यान रखिएगा, एक तो उस दिन का था और एक पूरा का पूरा फेस्टिवल का थीम था. तो थीम फॉर द नेशनल यूथ डे अगर आप देखोगे तो जो नेशनल यूथ डे था उस दिन का थीम था अराइज अवेक एंड रियलाइज द पावर ऑफ यू होल्ड, ठीक है, मतलब द पावर यू होल्ड नॉट ऑफ. तो इसका मतलब क्या है कि भैया जागो और खुद के अंदर की शक्ति को पहचानो. ये बेसिकली यूथ डे है तो हमारे जितने भी यूथ हैं, दैट इज यू एंड मी एंड एवरी एडल्ट अराउंड अस, उन सबके लिए था ये. आगे हम देखते हैं कि फेस्टिवल का भी जो है एक थीम था. क्या थीम था? विकसित भारत एट द रेट 2047. 2047 को हमको आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे और हमारा टारगेट है कि जैसे ही 100 साल पूरे हों तब तक हम हमारा पूरा डेवलपमेंट कर लें और डेवलपिंग से डेवलप्ड हो जाएं, है ना. तो विकसित भारत एट द रेट 2047, ठीक है. तो ये थीम था युवा के लिए युवा के द्वारा. सो दिस वॉज द थीम ऑफ द एंटायर फेस्टिवल. तो फेस्टिवल का थीम अलग है बच्चों और उस दिन का थीम अलग है, ठीक है. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. तो 12 से 16 जनवरी के बीच ही पूरा फेस्टिवल बनाया गया टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ग्रेट स्वामी विवेकानंद, है ना. तो ये सारी ही चीज़ें हम ध्यान रखेंगे. 27th एडिशन था, नासिक महाराष्ट्र में हुआ था. दो थीम थे, एक तो उस दिन का था, एक पूरे फेस्टिवल का था. किस महान हमारे लीडर के बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है. कॉन्सर्ट फॉर क्लाइमेट. अब देखो कॉन्सर्ट फॉर क्लाइमेट मतलब ये COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वाले से ही कहीं ना कहीं एसोसिएट होगा, क्योंकि अभी दिसंबर में हमारा क्या पिछले साल 2023 की बात है, क्या हुआ था? COP28 हुआ था इन दुबई, ठीक है. तो ये जो है कॉन्सर्ट फॉर क्लाइमेट में क्या हुआ है, हमारी इंडिया से एक है सुचेता सतीश, इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है 140 लैंग्वेजेस में गा के एक सिंगल कॉन्सर्ट में. एक ही कॉन्सर्ट में इन्होंने 140 लैंग्वेजेस में गाया है. क्यों गाया है भैया? क्लाइमेट के लिए गाया है, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए गाया है. तो सिंगल कॉन्सर्ट था. कहाँ हुआ था आपसे पूछ लेंगे? इंडियन कॉन्सुलेट ऑडिटोरियम दुबई UAE में हुआ था, ठीक है, क्योंकि COP28 भी दुबई में हुआ था. तो इंडियन कॉन्सुलेट ऑडिटोरियम दुबई में हुआ था, दैट इज इन UAE, और एक कॉन्सर्ट फॉर क्लाइमेट का हिस्सा था. अगर आपसे पूछेंगे कि वो कौन सी सिंगर है जिन्होंने 140 लैंग्वेजेस में गाया है क्लाइमेट अवेयरनेस के लिए, तो आप क्या बोलेंगे? सुचेता सतीश. या आपसे बोलेंगे कि सुचेता सतीश ने कितनी लैंग्वेजेस में गाया है क्लाइमेट अवेयरनेस के लिए उनके कॉन्सर्ट में, तो आपको पता होना चाहिए कि 140 लैंग्वेजेस. दोनों ही चीजें आपको ध्यान में होना चाहिए. और आपसे लोकेशन भी बिल्कुल पूछ सकते हैं कि किस लोकेशन पर गाया है. आगे देखते हैं वर्ल्ड हिंदी डे. तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग इनिशिएटिव कि हम धीरे धीरे जो है हमारी रूट्स को पहचान रहे हैं, तो हमारी मातृभाषा जो है हिंदी उसको भी जो है हमें सेलिब्रेट करना चाहिए. तो इसमें हम क्या देखेंगे? वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है. तो दिन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि वेन इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड, ठीक है. तो ये हमारा जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है और इसमें हम हिंदी लैंग्वेज को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हिंदी जो है मेजॉरिटी इंडियंस की मातृभाषा होती है, ठीक है. तो उसको भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, उसको भी हमें जो है प्राउडली डिस्प्ले करना चाहिए. तो उस चीज़ के लिए वर्ल्ड हिंदी डे 10th of January को मनाया गया. आगे हम देखते हैं अटल सेतु. तो ये अटल सेतु तो हम सब जानते हैं कि भैया फाइनली इट हैज़ बिन इनॉग्रेटेड और इसका यूज़ भी शुरू हो चुका है. तो अटल सेतु कहाँ हुआ है? नवी मुंबई में. अटल सेतु के बनने से जो है मेजर डिस्टेंस कवर हो गया है, बहुत जो एक क्रूशियल प्लेस थी मुंबई में, बहुत ज़्यादा दूर दूर जब पहले पड़ता था कम्युनिकेशन और ट्रैवलिंग, अब अटल सेतु के कारण बहुत सारे लोगों को जो है उनका टाइमिंग भी बच गया और डिस्टेंस भी बच गया, ठीक है. तो हम देखते हैं कि ये कंस्ट्रक्ट हुआ है कितने, पूरा हम कॉस्टिंग देखेंगे इसकी 17,840 करोड़
करोड़ से ज़्यादा तक कंस्ट्रक्ट हुआ है, इसकी कॉस्टिंग है। अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो 21.8 किलोमीटर लंबा है, 6 लेन ब्रिज है, और उसके बाद 16.5 किलोमीटर जो है इसकी अरेबियन सी पर इसकी लेंथ है। सी कौन सी है? अरेबियन सी है ना, ये ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ सकते हैं कि अटल सेतु किस वाटर बॉडी के ऊपर है, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, ऐसे अलग अलग ऑप्शन देंगे तो अरेबियन सी के ऊपर है, और उसके बाद 5.5 किलोमीटर जो है ज़मीन पर है। तो मिलाकर ये हो जाता है कुछ 21.8 किलोमीटर, 6 लेन ब्रिज है, ठीक है। कॉस्टिंग भी आप समझ गए हैं, कौन से स्टेट में है ये आपसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, और कौन से वाटर बॉडी के ऊपर है ये भी पूछ सकते हैं। क्या क्या कनेक्ट करता है, कहाँ का इन्होंने जो अटल सेतु ने है डिस्टेंस कम किया है, ये हम देख लेते हैं। साउथ मुंबई और नवी मुंबई का, ठीक है। आप देखो 2 आवर जर्नी, जो 2 घंटे की जर्नी थी, वो अब बस 15 से 20 मिनट में हो जाएगी इस अटल सेतु ब्रिज के कारण। अब हम सब जानते हैं कि मुंबई जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत सारे लोग रहते हैं, डेली काम के लिए जाते हैं, तो इतना लंबा रास्ता इतना छोटा हो गया, दैट मीन्स बहुत सारे लोगों का समय बचेगा, बहुत सारे लोगों का ट्रैवल टाइम बचेगा, है ना। तो इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, पहले से हो जाना चाहिए था, ये तो हम सबको पता है, बट वो टलते टलते इतना डिले हो गया। बट द गुड पार्ट इज फाइनली इट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेट जीरो इंडस्ट्रियल पार्क। अब नेट जीरो इंडस्ट्रियल पार्क से हम क्या समझते हैं, नेट जीरो जहां भी लगता है बच्चों दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि कार्बन की बात हो रही है ना। तो देखिए इंडस्ट्रियल पार्क, फैक्ट्रीज, जितने भी बड़े बड़े लार्ज स्केल ये सब प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनमें एक चीज तो हम सबको डेफिनेटली पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन बहुत ज्यादा होता है। अब COP28 हो रहा है, हम धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, तो अब इंडस्ट्रीज भी ऐसी आना जरूरी है जिसमें कार्बन एमिशन ना हो, ठीक है। तो कार्बन एमिशन ना हो ऐसा नेट जीरो इंडस्ट्रियल प्लांट इंडिया का पहला डलेगा। कौन कौन सी गवर्नमेंट है, तो भैया हमारी तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट किसके साथ मिलकर कर रही है प्रोजेक्ट, सिंगापुर की गवर्नमेंट के साथ, है ना। तो आपसे दो चीज पूछ सकते हैं कि सिंगापुर की गवर्नमेंट के साथ मिलकर कौन से स्टेट की सरकार ये नेट जीरो इंडस्ट्रियल प्लांट सेटअप कर रही है, तो तमिलनाडु, है ना। तो या फिर पूछ सकते हैं कि तमिलनाडु किस कंट्री की गवर्नमेंट के साथ मिलकर करेगी, तो सिंगापुर की गवर्नमेंट के साथ। इंडिया का पहला है, ठीक है, हमारा इंडिया का पहला नेट जीरो इंडस्ट्रियल पार्क है, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। ये कहां पर है? चेन्नई में है, है ना, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु मतलब चेन्नई, ठीक है। तो ये वाली चीज बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, कैन बी आस्क्ड, बहुत ज्यादा चांसेस है इसके पूछे जाने के। आगे देखेंगे पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। अब हॉर्नबिल हम सब जानते हैं कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वहीं अगर हॉर्नबिल, सिर्फ हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करते हैं तो वो नागालैंड में होता है, लेकिन अगर पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है बच्चों, तो ये नागालैंड में नहीं होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में होगा, दोनों चीज़ में कन्फ्यूज मत होइएगा। सिर्फ अगर हॉर्नबिल फेस्टिवल है, जिसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी बोला जाता है, ये कहाँ पर है? हमारा नागालैंड में, ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स किसको बोलते हैं, तो दिस इज ऑल्सो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। यहीं पर अगर आपसे बोलते हैं पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां हो रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में। दोनों ही चीजों को कंफ्यूज मत करिएगा, बोथ थिंग्स आर सेपरेट, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। अब आगे देखते हैं स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। अब देखिए जहां सोशल जस्टिस की बात होती है, वहां दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये जो है बीआर अंबेडकर जी की बात हो रही है। तो बीआर अंबेडकर जी का जो है स्टैचू, दैट इज स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, अनवील हुआ है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैचू है बीआर अंबेडकर जी का, कहां पर हुआ है ये? 206 फीट का है फर्स्ट ऑफ ऑल, और अनवील हुआ है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। तो अगर आपसे पूछे कि बीआर अंबेडकर का वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैचू कहां पर अनवील हुआ है, तो दैट इज इन आंध्र प्रदेश, इट इज अबाउट 206 फीट, है ना। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, या ये भी पूछ सकते हैं कि बी आर अम्बेडकर का जो अभी 206 फीट का स्टैचू अनवील हुआ है आंध्र प्रदेश में, उसका नाम क्या है, ठीक है। तो उसका नाम है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है बच्चों। आगे वोटर अवेयरनेस कैंपेन। अब देखो वोटर अवेयरनेस, जैसे ही अवेयरनेस और वोटिंग की बात आ जाती है, दिमाग में क्लिक होना चाहिए इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की अभी हमने एक सॉफ्टवेयर के बारे में भी देखा था, एनकोर, ये क्या था, इलेक्शन कमीशन का एक सॉफ्टवेयर था कि पूरा का पूरा इलेक्शन की प्रोसेस स्मूथ हो जाए। और जितना भी इलेक्शन कमीशन का हमारा जो भी इलेक्शन और अवेयरनेस और वोटिंग और इलेक्शन एजुकेशन या लिटरेसी से एसोसिएटेड है, सारी की सारी चीजें इलेक्शन कमीशन के अंडर आती हैं। तो बेझिझक होकर जैसे ही आप इलेक्शन, इलेक्टोरल लिटरेसी, अवेयरनेस, ये सब अगर सुनते हैं, तो इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल दिमाग में ला सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने टैगलाइन जारी किया है, चुनाव का पर्व देश का गर्व। अब आपसे पूछ सकते हैं कि भैया वोटर अवेयरनेस कैंपेन का इलेक्शन कमीशन के द्वारा टैगलाइन क्या था? टैगलाइंस, थीम्स, मोटोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या है? चुनाव का पर्व देश का गर्व, ठीक है बच्चों। आगे हम देख रहे हैं
ये इसमें क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेशनल वोटर्स डे जो हम 2011 से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस बार भी वोटर्स डे मनाया गया, दैट वाज ऑन जनवरी 25। अब वोटर्स डे क्यों मना रहे हैं, देखो वोटर्स डे इसलिए मनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जन जागरूकता हो, है ना, इलेक्शन को लेकर। नॉर्मली अभी देखा जा रहा है, एक ट्रेंड आ रहा है कि लोग सोचते हैं कि मेरे एक वोट से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, है ना, जो पार्टी आनी है वो तो आएगी, ऐसे एक एक वोट से क्या ही फ़र्क पड़ेगा करके बहुत सारे लोग जो हैं वोट ही नहीं डालते हैं। और जब इतने सारे वोट्स एक साथ करते हैं तो हो सकता है उन वोट्स के द्वारा कोई दूसरी पार्टी आ सकती थी लेकिन कोई और पार्टी आ गई, है ना। तो ये जो है दर्शाता है कि हर एक वोट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एवरी वोट इज इंपॉर्टेंट। और उस इंपॉर्टेंस को लोगों को बताने के लिए जो है नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता आए। सो दिस इज ऑल्सो अ थिंग। राम टेम्पल, ठीक है, तो जनवरी में एक चीज़ देखी गई कि राम टेम्पल वॉज इनॉग्रेटेड, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जोरों शोरों से, इट वॉज लाइक अ ह्यूज फेस्टिवल, एक दिवाली के रूप में उसको पूरा मनाया गया। तो राम टेम्पल के बारे में हम पूरा पढ़ते हैं, कैन बी आस्ड, है ना, बहुत कॉन्ट्रोवर्सियल इशू था, बहुत समय लगा एंड फाइनली इट हैपेंड, तो उसके बारे में बिल्कुल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि राम टेम्पल आपसे पूछेंगे कहाँ है भैया, तो सबको पता है कि अयोध्या में है। उसके बाद किस स्टाइल में जो है ये पूरा का पूरा टेम्पल आर्किटेक्चर है, है ना, बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर के, तो ये जो है नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है। अब इसमें आर्किटेक्ट कौन है, जो आइडल है वो किसने बनाई है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो आर्किटेक्ट इस चंद्रकांत बी सोमपुरा, आपसे पूछ सकते हैं कि जो राम मंदिर है उनके आर्किटेक्ट कौन है, तो भैया चंद्रकांत बी सोमपुरा जी। आगे हम देखेंगे कि आइडल जो हमारी भगवान जी की मूर्ति है वो किन्होंने बनाई है, जो रामलला की मूर्ति है दैट इज अ 5 ईयर रामलला मूर्ति, है ना, तो वो किन्होंने बनाई है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो अरुण योगीराज हैं, स्कल्प्टर हैं, जो मूर्तिकार हैं बहुत ही फेमस, और इन्होंने ये मूर्ति बनाई है, तो ये 51 इंचेस की मूर्ति है, ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। तो हमें मूर्तिकार का नाम याद रखना है, हमें आर्किटेक्ट का नाम ध्यान रखना है, किस स्टाइल में ये टेंपल बना है ये भी ध्यान रखना है, और अयोध्या तो हम सबको पता ही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फर्स्ट नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड। अब देखो नेशनल हाईवेज तो हमारे पास बहुत सारे हैं, बट स्टील का उपयोग करके जो इतना बड़ा स्टील का नेशनल हाईवे के रूप में पूरा कोलैबोरेशन हुआ है, ये पहली बार हुआ है, तो कौन सा नेशनल हाईवे है, क्या है, ये सब हम देखेंगे। तो देखो वीके सारस्वत हैं, ठीक है, ये क्या है, नीति आयोग के द्वारा इनॉग्रेशन हुई है इंडिया का पहला नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड, कहाँ है ये आपसे पूछ सकते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या आएगा इसमें बताती हूँ कि नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड कहाँ पर है, दैट विल बी द ओनली क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, मुंबई गोवा, मुंबई और गोवा, ठीक है, ये, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि उस हाईवे का नंबर क्या है, ठीक है, कौन से नंबर का नेशनल हाईवे है, तो आपको नेशनल हाईवे बताना है कि भाई NH-44 है कि कौन सा है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें NH-66, ठीक है। तो दो चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं, तो किन किन जगहों का नाम पूछ सकते हैं, मुंबई गोवा कैन बी आज, या फिर आपसे नंबर पूछ लेंगे कौन सा नेशनल हाईवे है, तो 66, दो चीज़ें पूछ सकते हैं नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस जो है बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, क्यों है, क्योंकि हम जो है हमारे पेट्रोल डीजल वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनको छोड़कर अल्टरनेटिव एनर्जी पर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने और पूरी देश पूरे वर्ल्ड ने इंडिया ने और पूरे वर्ल्ड ने जो है एक इनिशिएटिव ले लिया है कि अब पॉल्यूशन कम करना है। पॉल्यूशन कम करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कम करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम करने के लिए जो भी हमारे व्हीकल्स हैं सबसे पहले तो उनको पेट्रोल फ्री बनाना पड़ेगा, है ना, तो इलेक्ट्रिक बसेस इसलिए आ गई हैं। तो 200 इलेक्ट्रिक बसेस का इंडक्शन हुआ है आसाम में, ठीक है, तो ये वाली चीज़ आप ध्यान रखेंगे, आसाम में 200 इलेक्ट्रिक बसेस का इंडक्शन हुआ है, और ये जो है स्टेट गवर्नमेंट का डेडिकेशन दिखाता है पर्यावरण की तरफ, कि वो चाहते हैं कि कम से कम जो है कार्बन एमिशन हो ताकि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे सुरक्षित रहें, है ना, ग्रीनरी बनी रहे। आगे हम देखेंगे मलकनगिरी एयरपोर्ट, तो सीधा सवाल आ जाएगा कि भैया मलकनगिरी एयरपोर्ट जो है किस स्टेट का एयरपोर्ट है, है ना, तो हम देखेंगे कि ओडिशा का है मलकनगिरी एयरपोर्ट, बस इतना सा पूछेंगे। क्यों बनाया, क्यों भैया एयरपोर्ट क्यों बनाते हैं, कि ट्रैवलिंग इजी हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करना इजी हो जाए इसलिए बनाया। तो सिंपल सा सवाल आ जाएगा कि मलकनगिरी एयरपोर्ट किस स्टेट में इनॉग्रेट हुआ है, क्यों हुआ है, ताकि ये जो जितना भी कम्यूटेशन जो है इधर से उधर कम्यूट होता है और इजी और स्मूथ हो जाए, है ना, ये सारी चीज़ें, कनेक्टिविटी बूस्ट हो।
अब हम आगे देख रहे हैं हिमालयन वुल्फ, ठीक है। तो हिमालयन वुल्फ जो है पहली बार असेस हुआ है IUCN के द्वारा, ठीक है, इन द रेड लिस्ट एंड कैटेगराइज एज वल्नरेबल। अब IUCN की रेड लिस्ट और वल्नरेबल कैटेगरी को आप क्या समझते हैं? देखिए बेसिकली हमारे जितने भी फ्लोरा फौना है, ठीक है, तो बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी होती है, एंडेंजर्ड, रेयर, वल्नरेबल हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है। तो वल्नरेबल मतलब बहुत ही कम तादाद हो गई है, अब इनकी अगर ध्यान नहीं रखा गया तो बहुत ही जल्द एक्सटिंक्ट जा सकते हैं बिल्कुल, है ना। तो ये जो वल्नरेबल कैटेगरी है IUCN जो है अपने अलग अलग कैटेगरीज में एनिमल्स को डाल देता है ताकि लोगों को और स्पेशली सरकार को अवेयरनेस रहे कि भैया ये जो स्पीशी है इनका कंजर्वेशन, इनका प्रोटेक्शन अब जरूरी हो गया है, नहीं करेंगे तो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हिमालयन वुल्फ है, अगर आपसे पूछेंगे कि भैया कौन सा वो वुल्फ है जो बिल्कुल वल्नरेबल का लिस्ट में डाला गया है IUCN के द्वारा, दैट इज हिमालयन वुल्फ। आगे देखेंगे टिबेटन ब्राउन बेयर। तो जो टिबेटन ब्राउन बेयर है ये भैया बहुत रेयर भालू होते हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं देखो, और इंडिया में बहुत ही मुश्किल से इनकी साइटिंग होती है। तो पहली बार कंफर्म्ड साइटिंग, पहले बोला बहुत गया था कि हाँ दिखा दिखा दिखा, बट कंफर्म्ड विथ फोटोज एंड विथ प्रूफ एवरीथिंग, तो पहली बार एक कंफर्म्ड साइटिंग है, ठीक है। ये जो रेयर टिबेटन ब्राउन बेयर है, इनकी भालू है ये, ब्राउन फर होते हैं, टिबेटन ब्राउन बेयर इनको बोला जाता है, ठीक है। इनका साइंटिफिक नाम देखो, जब भी हम ऐसे ऐसे रेयर स्पीशीज की बात करते हैं जो पहली बार हमें दिख रहे हैं, जैसे अभी एक बटरफ्लाई का भी हम जल्दी डिस्कशन करेंगे, तो इन सबके जो है साइंटिफिक नाम बहुत जरूरी होते हैं बच्चों। तो साइंटिफिक नाम है उर्सूस आर्कटोस प्रुइनोसुस, ठीक है। तो ये साइंटिफिक नाम है, याद करने में मुश्किल होता है बट फिर भी याद तो करना पड़ेगा हमको। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, सिर्फ उर्सूस याद कर लो, उर्सूस ब्राउन बेयर, जो टिबेटन ब्राउन बेयर है उसके साइंटिफिक नाम शुरू होता है उर्सूस से। तो जितने भी MCQs है जिसमें भी उर्सूस से जो साइंटिफिक नेम वुड बी स्टार्टिंग, उसको आप टिक कर देना, तो इतना पूरा बड़ा सा नाम आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। तो टिबेटन ब्राउन बेयर का साइंटिफिक नाम हमको पता पड़ गया, पहली बार साइट हुआ है, एकदम फर्स्ट रेयर साइटिंग हुई है, ठीक है। और उसके बाद ये कहां मिला है, तो भैया नॉर्थ सिक्किम में इनके पाए जाने की बिल्कुल आशंका है कि और भी ब्राउन बेयर्स वहां पे हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं न्यू कंजर्वेशन रिजर्व। तो अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व जो है नया सेटअप हुआ है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व है कौन से स्टेट में सेटअप हुआ है, तो भैया ये हुआ है महाराष्ट्र में, है ना। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि महाराष्ट्र का नया कंजर्वेशन रिजर्व जो है उसका नाम क्या है, तो अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व। अब कंजर्वेशन रिजर्व हमें पता पड़ रहा है मतलब एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए ही होगा। कंजर्वेशन मतलब क्या, प्रोटेक्शन मतलब रक्षा, किस चीज से रक्षा, कि भैया एनिमल्स खत्म ना हो, उनकी जो है जनजाति बड़े अच्छे से खाए पिए, प्रोटेक्टेड रहे, सर्विलियंस के अंदर रहे, अगर बीमार पड़े तो उनको जल्दी से जल्दी मेडिकल अटेंशन, क्योंकि अगर ये फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, तो हाँ ये अपने हैबिटेट में तो रहते हैं, बट बहुत बार होता है कि फॉरेस्ट में इनको खाना नहीं मिल रहा है, एनिमल्स को भी बीमारी होती है, तो अगर बीमारी से अगर इनकी डेथ हो रही है तो वहां हमें कैसे पता पड़ेगा। तो ये लोग एक्सटिंक्ट ना हो, वल्नरेबल ना हो, रेयर कंडीशन में ना जाए, इसलिए जो है इनको एक कंजर्वेशन रिजर्व में रखा जाता है, ठीक है। तो ये जो कनेक्ट करता है माइनी कंजर्वेशन एरिया इन द वेस्ट विद मलडोग बर्ड सेंचुरी इन द नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो ये किन किन चीजों को कनेक्ट करता है, दिस कैन नॉट बी आस्क्ड, बहुत कम चांसेस है, बट हाँ ये जरूर पूछ सकते हैं, इंडिविजुअली पूछ सकते हैं कि मलडोग बर्ड सेंचुरी किस राज्य की है, किस स्टेट की है, एक ही क्वेश्चन इंडिविजुअली आ सकता है। माइनी कंजर्वेशन एरिया कहाँ का है, इंडिविजुअली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बहुत बार देखा गया है कि अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व का नाम देकर आपसे राज्य का पूछते हैं कि कौन से स्टेट के हैं। तो ये जो सारे एरियाज हैं, रिजर्व हैं, इनके नाम इनके स्टेट के साथ आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। आगे हम देखते हैं रामसर साइट्स। तो रामसर साइट्स को वेटलैंड्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो रामसर साइट्स इज इक्वल टू वेटलैंड्स, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो वेटलैंड्स क्या होता है ये मैं आपको समझा देती हूँ, देखिए जिस समझ में आ रहा है, अगर आपको फोटो क्लियर दिख रही है, वेटलैंड्स मतलब जमीन के ऊपर थोड़ी इंच तक पानी जमा रहना, है ना। तो वेटलैंड्स जो है बहुत ही ज्यादा हम बोल सकते हैं कि अच्छे माने जाते हैं, सबसे पहले तो पानी के हिसाब से अच्छे माने जाते हैं, दूसरा बहुत सारे एग्रीकल्चरल के चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छे हैं, फ्लोरा और फौना के लिए भी बहुत अच्छे हैं, स्पेशली एनिमल्स के लिए, हैबिटेट के लिए। तो ये जो रामसर साइट्स होते हैं, दीज आर इकोलॉजिकली
एंड एनवायरमेंटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे रामसर साइट्स की काउंटिंग हमें पता होना चाहिए कि कितनी रामसर साइट्स हैं, कितने वेटलैंड्स हैं, है ना. तो इनका जो नंबर है ये बड़ा, पहले जो है 75 था और अब 75 से बढ़ा के 80 रामसर साइट्स हम बोल सकते हैं वेटलैंड्स हो चुके हैं भारत में. तो अगर आपसे पूछते हैं कि इंडिया में करंट रामसर साइट्स का नंबर क्या है, तो वहाँ पे 75 भी होगा ऑप्शन में और 80 भी होगा. हमको 80 टिक लगाना है बच्चों, ठीक है. रिसेंटली जो है ये अपडेट हुआ है, 5 और वेटलैंड इसमें ऐड हुए हैं. आगे हम देखेंगे फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट है. तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि हमारे भारत का पहला हेल्दी और हाइजीनिक फूड स्ट्रीट कहाँ पर पाया गया, क्या नाम है, तो नाम तो है भैया प्रसादम, ठीक है. और ये हमारी महाकाल नगरी उज्जैन में जो है खुला हुआ है, ठीक है. तो ये जो है ऐसा स्ट्रीट फूड है, पूरा का पूरा स्ट्रीट में अलग अलग स्टॉल रहेंगे, फूड रहेंगे, लेकिन दीज टिक द हाइजीनिक कोटा, ठीक है. तो बहुत बार देखा जाता है कि स्ट्रीट फूड जो है हाइजीनिक नहीं होता है, है ना. तो ये जो है प्रसादम, क्योंकि गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, तो स्ट्रीट फूड को हेल्दी और हाइजीनिक बनाने का पूरा प्रयास किया गया है. कहाँ पे खुला है ये आपसे पूछ सकते हैं, तो खुला है उज्जैन में, है ना. अब देखेंगे पेंच टाइगर रिजर्व. तो पेंच टाइगर रिजर्व में हमारा पहला जो है इंडिया का डार्क स्काई पार्क खुला है. तो अगर आपसे पूछते हैं कि पेंच टाइगर रिजर्व में इंडिया का जो डार्क स्काई पार्क खुला है, ठीक है, वो कहाँ लोकेटेड है, तो वहाँ वो कहाँ लोकेटेड है, महाराष्ट्र में. आपसे एक और चीज़ पूछ सकते हैं कि इंडिया में जो ये जो पेंच टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर जो डार्क स्काई खुला है, कौन से नंबर का है एशिया में, तो एशिया में ये जो है 5th नंबर का है. या तो इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि द 5th डार्क स्काई इनॉग्रल, द 5th डार्क स्काई पार्क ऑफ एशिया हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री या विच प्लेस. तो कहां पर लिखेंगे हम इसको, इंडिया में लिखेंगे, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा. अब हम गोल्डन टाइगर की बात कर लेते हैं. तो गोल्डन टाइगर देखिए फोटोज में हमको दिख ही रहे हैं. गोल्डन टाइगर कहाँ स्पॉट हुए हैं आपसे पूछ सकते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क में. बहुत अलग अलग प्रकार के एनिमल्स अभी स्पॉट हो रहे हैं, ठीक है. आगे हम देखेंगे ब्लैक टाइगर भी देखेंगे, ठीक है. तो ये जो गोल्डन टाइगर की अगर आपसे बात पूछते हैं, क्वेश्चन दे सकते हैं कि गोल्डन टाइगर वॉज रिसेंटली स्पॉटेड इन, तो आप क्या लिखेंगे, काजीरंगा नेशनल पार्क. या इसको ऐसा दे सकते हैं कि द रेयर गोल्डन टाइगर विच वॉज स्पॉटेड इन काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट, है ना. तो आसाम, दोनों तरीके से इसको पूछ सकते हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए. आगे देखेंगे ब्लैक टाइगर. देखिए ये ब्लैक टाइगर की बात है, तो ब्लैक टाइगर की जो स्ट्राइप्स हैं, ब्लैक स्ट्राइप्स बहुत ज्यादा वाइड होती हैं एज कम्पेयर टू अदर टाइगर्स. तो दूसरे टाइगर्स में जो ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं पतली होती हैं कंपेरेटिवली, बट इनमें जो ब्लैक स्ट्राइप्स हैं ज्यादा वाइड है. तो ये जो है ब्लैक टाइगर सफारी जो है कहाँ ओपन हो रही है, तो सिमलीपल टाइगर रिजर्व मयूरभंज, ये कहाँ पर है, ओडिशा में है. तो अगर आपसे पूछेंगे कि वर्ल्ड का पहला, इंडिया का भी नहीं बच्चों, वर्ल्ड का पहला, तो अगर आपसे पूछेंगे कि वर्ल्ड का पहला ब्लैक टाइगर सफारी कहाँ ओपन होने जा रहा है, तो ये ओपन होने जा रहा है ओडिशा के मयूरभंज में, है ना. ये दोनों ही चीजें आप ध्यान रखेंगे, कहाँ पर, सिमलीपल टाइगर रिजर्व, ठीक है. तो दुनिया का पहला है, इंडिया का भी पहला ही है. आगे हम देखेंगे वन व्हीकल वन फास्टैग. तो ये तो आप सबने देख ही लिया होगा, नोटिस कर लिया होगा अपने अपने एरियाज में कि फास्टैग जो है कंपलसरी हो गया है. जो अगर फास्टैग के लिए अपने ऊपर, अपने गाड़ी के ऊपर जो कोड्स नहीं लगे होते हैं, तो उनको जो है डबल टोल टैक्स देना पड़ता. तो अगर किसी जगह का टोल टैक्स 60 है, तो फास्टैग अगर लगाए गाड़ी पे तो 60 रुपीस कट हो जाएंगे, बट फास्टैग अगर नहीं लगाए तो वही टोल टैक्स उनको 120 से ज्यादा देना पड़ता है. तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ फाइन. तो हर इंसान जो है पैसे बचाने के लिए फिर फास्टैग लगा ही लेता है. फास्टैग क्यों लगाया बच्चों, फास्टैग इसलिए लगाया है कि देखिए टोल टैक्स पे बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है ना. क्योंकि अब एक कार जाएगी, धीरे वो कैश देंगे या ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, वहाँ से उनको रिसीट मिलेगी, फिर वो जो है पूरा उठेगा, फिर कार जाएगी. दिस टेक्स अ ह्यूज टाइम. जब सारी गाड़ियों का टाइम मिला देते हैं तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है, जिसके कारण बहुत बार देखा जाता है कि टोल टैक्स पर जो है ट्रैफिक लग गया, है ना.
तो ये जो ट्रैफिक जाम है इसको अवॉइड करने के लिए है ना, रोड ट्रैवलिंग स्मूथ बनाने के लिए फास्ट टैग कंपलसरी कर दिया ताकि टाइम ना लगे, सीधे डायरेक्टली कैमरा से इधर स्कैनिंग हो जाए और उसके बाद अपने आप जो है गेट्स खुल जाएं और आप आराम से जा सकें। इतना पूरा जो बीच का प्रोसेस है, पैसे देना लेना रिसीट लेना ऑल ऑफ दैट, ये सब नहीं होगा है ना। तो NHAI ने हमारा वन व्हीकल वन फास्ट टैग वाला जो इनिशिएटिव है वो जारी कर दिया है और किस तरीके से लोग जो है उनको करवा रहे हैं कि भैया फास्ट टैग, क्योंकि इंडिया की जनता जो है ढीठ है ना, ढीठ मतलब अगर उनको फाइन नहीं लगेगा तो फास्टैग भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें आदत हो जाती है ना, हमें इतने सालों से आदत हो चुकी है कि पैसे देके रिसीट लेंगे। अब हमें लगता है कि कौन इतनी ज़्यादा और मेहनत करे कि भैया फास्टैग लगाएं और ये सब, तो जब तक हमसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए जाएंगे हम वो चीज़ करेंगे ही नहीं है ना। तो उस चीज़ को करा इसलिए बहुत सारे लोगों ने फास्टैग लगा लिया है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग, गुड इनिशिएटिव। हम आगे हैं, यहाँ तक बच्चों हमारा पूरा नेशनल न्यूज़ ख़त्म हो गया है, यहाँ से हम हमारे इंटरनेशनल न्यूज़ शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्लोबल पीस समिट, इसके बारे में बहुत बार डिस्कशन हो गया है कि यूक्रेन के जो लीडर हैं, ठीक है, ज़ेलेंस्की जी, उन्होंने स्विट्ज़रलैंड से जो है आग्रह किया था कि भैया प्लीज़ रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उस पर आप एक ग्लोबल पीस समिट रख लो, वर्ल्ड पीस समिट रख लो है ना। तो स्विट्ज़रलैंड जो है मान गया और स्विट्ज़रलैंड जो है ये सब पीस समिट ऑर्गेनाइज करेगा अब है ना। तो यूक्रेन के कहने पर ये ग्लोबल पीस समिट जो है स्विट्ज़रलैंड अब होस्ट कर रहा है। ठीक है, यूक्रेन के कौन है, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जी, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं, अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि भैया 2024 का पहला साइक्लोन कौन सा है, क्या नाम है उसका, कहाँ हिट किया वो साइक्लोन, ठीक है, ऑलरेडी हिट कर गया है, तो ये जो साइक्लोन है इसका नाम है अलवारो और ये हिट किया गया है कहाँ पर, हमारा मोरोम्बे मडागास्कर, मडागास्कर हम सबको पता है इंडियन ओशन, ठीक है, तो मोरोम्बे मडागास्कर के उधर ये साइक्लोन, हमारा पहला साइक्लोन 2024 का जिसका नाम है अलवारो, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, समिट ऑफ NAM दैट इज नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है, अब नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या है ये चीज जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इंडिया इसको फॉलो करता है। नॉन अलाइंड मूवमेंट बेसिकली ना, कोरियन वॉर जब हो रहा था तो सबको लगा कि भैया ये कौन सी बात है कि साइड चुनो, हमको तो नहीं साइड चुनना, जिस लड़ाई में हम नहीं है हम उसमें किसी का साइड नहीं चुनेंगे, ये बहुत सारे देशों को एकदम से रियलाइज होता है कोरियन वॉर के बाद 1961 में है ना। तो वो सारे मिलते हैं और एक गठबंधन बनाते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि वी विल नॉट पिक एनी साइड, जब तक हम उस कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं है हम एक साइड पिक नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, इंडिया ने जिस हिसाब से इसराइल और पलस्तीन रशिया यूक्रेन पूरे इशू को डील किया है, हमने ना रशिया का साइड लिया, हमने ना यूक्रेन का साइड लिया, ना यूएसए के साइड पे हैं, ना इसराइल का साइड लिया, ना पलस्तीन का साइड लिया, ना हमास, हम किसी का भी साइड नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ तब साइड लेते हैं जब हम उस इशू में इन्वॉल्व हों। ठीक है, जैसे इंडिया पाकिस्तान, तो ऑफ कोर्स वी आर ऑन आवर साइड ओनली, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इश्यूज जिसमें इंडिया इन्वॉल्व नहीं है उसमें हम साइड्स नहीं लेंगे है ना, किसी भी ग्लोबल वर्ल्ड पावर के साथ। तो ये जो है पूरा NAM दैट इज नॉन अलाइंड मूवमेंट है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, फर्स्ट समिट कहाँ हुई थी, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 120 नेशंस का है ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन, इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में, पहली समिट इसकी हुई थी बेलग्रेड यूगोस्लाविया में जो कि एक यूरोपियन नेशन है। ठीक है, तो किस वॉर के बाद ये एहसास हुआ था कंट्रीज को कि भैया नॉन अलाइंड अलाइनमेंट मतलब जैसे ये दो लाइंस हैं, अलाइनमेंट मतलब हम इस लाइन से अलाइन हो गए तो इसकी सीध में चलेंगे या इस लाइन से अलाइन हो गए तो इसकी सीध में चलेंगे, सीध में चलना मतलब उनकी आइडियोलॉजी से एग्री करना, उनकी साइड लेना, तो नॉन अलाइंड मतलब हमें किसी की साइड नहीं लेना है, हम हमारी अलग ही लेन में हैं, आपको जो करना है आप करो, दैट इज नॉन अलाइंड है ना। तो ये जो है कोरियन वॉर के बाद स्टैब्लिश हुआ था, 1961 में इसकी पहली सम्मिट हुई थी, दैट वाज इन यूगोस्लाविया है ना, 120 नेशन का ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम आगे देखेंगे मलेरिया फ्री नेशन, देखो अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है ना बच्चों, ये जो है बहुत ही ज्यादा पिछड़ा माना जाता है क्योंकि यहां पर लिटरेसी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इकोनॉमी,
इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक लाइफ लाइफस्टाइल जो भी है, बहुत ही ज़्यादा लोगों इसमें इन सब चीज़ों में सफ़र करते हैं, है ना। तो वहाँ पर अगर थोड़ा भी कुछ अचीवमेंट होता है तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर मेजॉरिटी लोग जो है लिटरेसी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, खाने के लिए सफ़र कर रहे हैं, है ना। तो देखा गया कि अफ्रीकन कंट्री है, तीसरी अफ्रीकन कंट्री जो मलेरिया फ्री डिक्लेयर हो गई है। तो पहली अफ्रीकन कंट्री कौन थी जो मलेरिया फ्री डिक्लेयर हुई थी? मॉरिशियस, दैट वॉज इन 1973। सेकेंड अफ्रीकन कंट्री जो मलेरिया फ्री डिक्लेयर हुई थी वो थी अल्जीरिया। तीसरी जो अभी न्यूएस्ट है वो है कैबो वर्डे, ये भी मलेरिया फ्री डिक्लेयर हो चुकी है। अब ऐसी जितनी भी कंट्रीज होती है ना, ऐसी लेटेस्ट कंट्रीज जो न्यूज में रहती हैं, इनकी कैपिटल जरूर पूछते हैं। तो कैबो वर्डे का कैपिटल है पारिया, ये उसका पोर्ट सिटी भी है और उसका कैपिटल भी है, दोनों ही चीजें हम ध्यान रखेंगे। ऑल्सो मलेरिया बहुत ज्यादा ना ऐसी डिसीज हो गई थी अफ्रीका के लिए, क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत सारे देश में मलेरिया के कारण लोग मर रहे थे, है ना। तो इसमें मलेरिया फ्री इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर द अफ्रीकन नेशंस, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब आगे हम देखते हैं इसकी वैक्सीन के बारे में, ठीक है। तो एज आई सेड कि मलेरिया जो है अफ्रीका बहुत ज़्यादा परेशान है मलेरिया डिसीज से। तीन ही नेशन अभी तक हैं अफ्रीका के जो मलेरिया से फ्री हुए हैं, मतलब कितने सारे नेशंस और बचे हैं विच आर सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ठीक है। तो हमारी जो है वैक्सीन की बात हो रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन का नाम है कैमरून, ठीक है। ये जो है हमारी, सॉरी वैक्सीन बोल रही हूँ, कंट्री का नाम है कैमरून। तो ये जो है पहली कंट्री है जो बच्चों को नियमित रूप से वैक्सीन देगी, है ना। कंट्री का नाम क्या है? कैमरून। और अगर आपसे पूछेंगे कि कौन सी ऐसी अफ्रीकन कंट्री है जिसने लेटेस्ट जो है मलेरिया वैक्सीन मैंडेटरी कर दी है और वो रेगुलर फॉर्म में बच्चों को मलेरिया वैक्सीन देगी, तो क्या नाम है कंट्री का? कैमरून, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं आईआईटी इन श्रीलंका। तो ये जो आईआईटीज हैं ये अब धीरे धीरे स्टैब्लिश हो रहे हैं अलग अलग जगह, अलग अलग कंट्रीज में, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि भैया हर बार न्यूज आती है कि एक आईआईटी इस कंट्री में स्टैब्लिश हो गया, एक आईआईटी इस कंट्री में स्टैब्लिश हो गया। तो हमें जो है लेटेस्ट न्यूज को इन चीजों में बहुत ध्यान में रखना है कि अभी अगर आपसे पूछते हैं कि आईआईटी कौन से नए देश में एस्टैब्लिश हुआ है, बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। तो आप देखेंगे आईआईटी श्रीलंका में ओपन हुआ है और किसकी ब्रांच एक्सटेंड है, ठीक है। देर आर मेनी मेनी आईआईटीज, तो हर जैसे आईआईटीज भी अलग अलग अपनी जगह से रिजर्व्ड है, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास का एक्सटेंशन है ये, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास ने ओपन किया है नया कैंपस श्रीलंका के कैंडी में, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने जो हमारी फारसी लैंग्वेजेस, देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत सारी एजुकेशन में चेंजेस लाई है, ये चीज़ तो हमको पता है। एनईपी के आने के बाद पहले सिर्फ 10th और 12th था बोर्ड, एनईपी के आने के बाद 5th भी बोर्ड हो गया है, 8th भी बोर्ड हो गया है और उसके बाद 10th 12th तो है ही, है ना। तो ये चीज़ ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी है, इस साल 8th के बच्चों ने बोर्ड दिया है, 5th के बच्चे भी बोर्ड, तो ये सारी चीज़ें अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। सून द 5th बोर्ड थिंग विल ऑल्सो बी स्टार्टिंग। तो 8th के बच्चों ने तो ऑलरेडी बोर्ड दे दी है इस बार और ये सारा बोर्ड का प्रोसीजर हो चुका है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, है ना। अब इसमें हमें क्या देखना है कि और कौन सी नई लैंग्वेज ऐड हुई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर। तो हम देखेंगे कि फारसी जो हमारी पर्शियन लैंग्वेज है वो भी इंक्लूड हो गई है 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस में। तो जो 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं जिनमें पढ़ाया जाता है, जिनको माना जाता है क्लासिकल लैंग्वेजेस, उसमें फारसी दैट इज पर्शियन लैंग्वेज इज ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान ने ये स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल डिक्लेयर कर दिया है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा नेशन है जिसने रिसेंटली स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया है, तो आप बोलेंगे किर्गिस्तान। या दिस कैन बी आस्क अदर वे ऑल्सो कि किर्गिस्तान ने किस को अपना नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया है, तो दैट इज स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ, है ना। तो हिम तेंदुआ का कौन हो गया? हिमालयन स्नो लेपर्ड हो गया, ठीक है। अब हम जाएंगे किर्गिस्तान, तो दिस इज नॉट द हिमालयन स्नो लेपर्ड, ठीक है। हिम तेंदुआ मैंने किस चीज से एसोसिएट किया है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में भी ये जो हिमालयन स्नो लेपर्ड है दैट इज हिम तेंदुए, ठीक है। हिम तेंदुआ क्या है? उसका मैस्कॉट है।
तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि स्नो लेपर्ड की इंडिया के किस गेम में अभी इन्वॉल्वमेंट है। तो भैया खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख होस्ट कर रहा है, उसका मैस्कॉट हिमालयन दी स्नो लेपर्ड्स हैं, ठीक है, हिम तेंदुआ जिसको बोला जाता है। किर्गिस्तान का जो है स्नो लेपर्ड ऑफिशियली उसका नेशनल सिम्बॉल डिक्लेयर हो गया है। ये जो स्नो लेपर्ड है, मैंने बताया है एनिमल्स के साइंटिफिक नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो पैंथेरा यूनसिया, ठीक है, ये क्या है, स्नो लेपर्ड का साइंटिफिक नेम। तो हमें कंट्री पता होना चाहिए, एनिमल पता होना चाहिए और उसका साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। आगे देखते हैं ग्रीन फ्यूल अलायंस। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ग्रीन फ्यूल अलायंस जो है किसने अनाउंस किया, तो डेनमार्क, है ना, डेनमार्क जो है इन सब चीजों में बहुत आगे रहता है। बहुत सारी जो ग्लोबल इंडेक्सेस है ना उसमें भी डेनमार्क की रैंकिंग हमेशा ऊपर ही रहती है। डेनमार्क ने अभी स्मोकिंग के लिए भी एक इनिशिएटिव लिया था, ठीक है, तो वैसे ही देखा जा रहा है कि डेनमार्क ने ग्रीन फ्यूल अलायंस का अनाउंसमेंट किया है। तो ये जो ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया है, ठीक है, इसमें क्या रहेगा, हमें नाम पता है ग्रीन फ्यूल, मतलब ये जो भी हम बायो वेस्ट से फ्यूल बना रहे हैं या जो भी इकोलॉजिकली फ्यूल बना रहे हैं जिसमें ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होगा, ज्यादा कार्बन एमिशन नहीं होगा, वो हमारा ग्रीन फ्यूल हो गया, ठीक है। तो ये दोनों कंट्रीज का मिलके एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ इनिशिएटिव है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंडिया और डेनमार्क का एक इनिशिएटिव है जिसमें वो फ्यूल बना रहे हैं, उस इनिशिएटिव का नाम क्या है, तो GFAI, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, ठीक है। आगे हम देखेंगे, आपसे पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट का नाम क्या है या वो कहाँ लोकेटेड है। तो वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट कहाँ है भैया, सिंगापुर, उसका नाम क्या है, चांगी एयरपोर्ट इन सिंगापुर इज लेबल्ड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वंस एज वेल। देखो कितना सुंदर है ना, दिस एयरपोर्ट इज सो ब्यूटिफुल, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एयरपोर्ट इसको माना जाता है, वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट का इसका खिताब है। कहाँ है, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। आगे हम देखेंगे लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग प्रोजेक्ट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अभी इंडिया ने रिसेंटली लिथियम एक्सप्लोरेशन और माइनिंग प्रोजेक्ट किस देश के साथ साइन किया है, तो हम क्या बोलेंगे, अर्जेंटीना के साथ साइन किया हुआ है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि अर्जेंटीना के साथ इंडिया ने लिथियम एक्सप्लोरेशन और माइनिंग प्रोजेक्ट साइन किया है। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने ये जो है सब कुछ इसमें शुरुआत करी है। नाउ टॉकिंग अबाउट लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग प्रोजेक्ट, हमें ये तो पता है कि भैया लिथियम रिजर्व्स मिले हैं इंडिया में, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी के। पहले जो है हम इन सारे रिजर्व्स के लिए, स्पेशली जितने भी मिनरल रिजर्व्स हैं, इन सब के लिए हम डिपेंड होते थे दूसरी कंट्रीज पे, क्योंकि इंडिया में रिजर्व्स बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते थे। बट धीरे धीरे जब जितनी टेक्नोलॉजी हमारे पास बढ़ रही है, हम इन रिजर्व्स को ढूंढ रहे हैं और मिल भी रहे हैं इंडिया में, ठीक है, और हम टेक्नोलॉजी है हमारे पास, इसलिए हम उन रिजर्व्स का एक्सट्रैक्शन करके इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो लिथियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन द लिथियम आयन बैटरीज और अलग अलग, जितनी हम टेक्नोलॉजी में ऊपर जा रहे हैं उतनी इन चीजों की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं से तो टेक्नोलॉजिकल चीजें बनती हैं बच्चों, है ना। तो अभी तक हम जो है लिथियम के लिए दूसरे कंट्रीज पर डिपेंड होते थे कि भैया उनसे हम लेंगे ये, लेकिन लिथियम जो है अब हम खुद भी, हमें बहुत बड़ा रिजर्व मिला है, तो हम खुद भी उस लिथियम रिजर्व को जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं और इंडिया में ही उन चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब हमें दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो 54th मीटिंग हुई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अभी जनवरी में, कहाँ हुई थी, आपसे जगह पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो 54th मीटिंग है कहाँ हुई थी, तो इट ऑल्सो हैपन्ड इन डावोस स्विट्जरलैंड, ठीक है। इसका जो है थीम बहुत ज़्यादा बड़ा सा रहेगा, तो आप जो है नहीं भी याद करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमें जो है इसका क्या चीज़ इन्होंने लॉन्च करी है वो चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इन्होंने लॉन्च किया है ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। इन्होंने क्या लॉन्च किया है, ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, है ना। तो मतलब ये जो है जेंडर एम्पावरमेंट, कौन सा एम्पावरमेंट होगा इसमें, वुमेन एम्पावरमेंट होगा और जेंडर इक्वालिटी दोनों की ही बात करें तो ग्लोबली देखा जा रहा है कि वुमेन का जो है हर चीज में थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैक रह जाता है, भले ही वो पे हो, पेमेंट हो, पे स्केल हो, या वो आप देखा जाए तो इक्वल ट्रीटमेंट हो इन द वर्क स्पेस। तो ये सब चीजें ना हो, मेल और फीमेल दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाए, इसी लिए ये इक्विटी और इक्वालिटी वाला एक पूरा अनाउंसमेंट किया गया है ग्लोबल लेवल पर। किसके द्वारा किया गया आपसे पूछ सकते हैं, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग जो दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी उसमें ये किया गया है।
आगे हम देखते हैं, ये तो हमने बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ में डिस्कस किया था हमारी जो हम न्यूज वगैरह देखते थे उसमें, तो ये जो हेल है, ठीक है, हेल क्या है, ये हमारे नॉर्थ कोरिया को बिलोंग करता है। ये हेल जो है ये न्यूक्लियर पावर टेस्टिंग की थी नॉर्थ कोरिया ने। क्या हुआ था, यूएसए और ये जितना भी जापान, साउथ कोरिया, ये सब मिलके जो है ना मिलिट्री ड्रिलिंग्स कर रहे थे नॉर्थ कोरिया के एकदम बॉर्डर पर, है ना। तो नॉर्थ कोरिया ने क्या किया, थोड़ा वेट किया, जब इनका सब हो गया उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल टेस्टिंग और अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग शुरू कर दिया, है ना। और वो कम से कम आप मान लो 2 हफ्ते तक लगातार जो है मिसाइल टेस्टिंग कर ही जा रहा है, है ना। अब क्योंकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है, तो अब साउथ कोरिया को बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग गई। इसी के साथ एक क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कौन सा पैरेलल है, विच पैरेलल इज देयर बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। तो 38th पैरेलल, ये ध्यान रखेंगे आप लोग बच्चों, इसको लिख भी लीजिए, बहुत बार पूछा जा सकता है। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कौन सा पैरेलल है, 38th पैरेलल, ठीक है। यहीं पर हम बात करेंगे कि हेल जो है किस कंट्री को बिलोंग कर रहा है, तो नॉर्थ कोरिया को बिलोंग कर रहा है। कब इसने शुरू किया था, देखो यहाँ लिखा भी है, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान मिलकर मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे थे नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर। तो नॉर्थ कोरिया ने फिर पूरे कम से कम 2-3 हफ्तों तक अपनी वेपन टेस्टिंग बंद ही नहीं करी, जिससे साउथ कोरिया को बहुत डर लग गया। और जापान ने इसके बाद जो है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिसाइल्स की एग्रीमेंट कर ली थी, 400 टोमाहॉक मिसाइल्स, ठीक है, 400। ये क्या है भैया, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स है, ठीक है। तो जापान और यूनाइटेड स्टेट्स की फिर ये एग्रीमेंट हुई थी मिसाइल्स के, टोमाहॉक मिसाइल नाम है, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल्स तो हम सबको पता है कि ये जो है लो अल्टीट्यूड की होती हैं और शॉर्ट जो स्मॉल टारगेट्स हैं उनको भी इजीली ये डिस्ट्रॉय कर सकती है, ठीक है, स्मॉल मूवेबल टारगेट्स को भी ये डिस्ट्रॉय कर सकती है, कौन सी, क्रूज मिसाइल्स, है ना। तो ऐसा हुआ, तो आपसे अगर इसका बात करते हैं तो किस कंट्री को बिलोंग कर रहा है, नॉर्थ कोरिया को। आगे देखते हैं मेंबरशिप ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स की अगर बात की जाए तो ब्रिक्स पहले क्या था हमारा भैया, 5 नेशंस मेंबर्स थे ब्रिक्स में, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। लेकिन अभी कुछ महीनों पहले देखा गया कि ब्रिक्स की मेंबरशिप एक्सटेंड करने का सोचा, तो ब्रिक्स की मेंबरशिप एक्सटेंड करके हमने 6 देशों को इन्विटेशन दिया था कि भैया आओ ब्रिक्स के मेंबर्स बनो। तो वो 6 नेशन कौन कौन से थे, सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, इथियोपिया, इजिप्ट और एक और था अर्जेंटीना। लेकिन अर्जेंटीना ने ब्रिक्स का इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया, है ना। तो अब 6 देश थे जिसमें से एक ने एक्सेप्ट नहीं किया, 5 ने एक्सेप्ट कर लिया, पहले से 5 मेंबर्स थे, तो अब टोटल कितने हो गए, 10 मेंबर। इसी के साथ आपसे पूछ सकते हैं कि अर्जेंटीना जिसने ब्रिक्स का इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं किया है उसका प्रेसिडेंट कौन है, तो जेवियर मिलई, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भैया ब्रिक्स की इस बार चेयरमैनशिप कौन संभाल रहा है, तो देखो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप इस बार रशिया संभाल रही है। इसी के साथ एक और चीज पूछ सकते हैं कि ब्रिक्स एस्टेब्लिश कब होता है ऑफिशियली, एक्रोनिम, एक्रोनिम मतलब देखिए ये एक्रोनिम है, मतलब शॉर्ट इन सबके, ब्राजील का बी, रशिया का आर, इंडिया का आई, चाइना का सी, साउथ अफ्रीका एस, तो ये सब इसको एक्रोनिम बोलते हैं, है ना। तो ये जो है आइडिया आया था ब्रिक का, पहले साउथ अफ्रीका नहीं था बच्चों, ब्रिक का आइडिया आया था 2001 में जिम ओ नील को। यह है एक इकोनॉमिस्ट, है ना, एक इकोनॉमिस्ट थे, इनको आइडिया आया था कि भैया यूएसए जो है ना बहुत ही ज्यादा ग्लोबली डोमिनेट कर रहा है इकोनॉमी के मामले में, तो एक काम कर सकते हैं जो डेवलपिंग इकोनॉमी, इमर्जिंग इकोनॉमी, उनका एक ग्रुप बनाओ, है ना, और उसका नाम रखो ब्रिक, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो यूएसए डोमिनेट करने लगा है वर्ल्ड इकोनॉमी को, वो थोड़ा कम होगा, उसको कंपटीशन मिलेगा, है ना। तो ये जो है बन गया। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि ब्रिक जो है, ब्रिक्स कब हुआ, साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ, तो साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था 2010 में, ठीक है, ब्रिक में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था 2010 में। और इसके बाद आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ब्रिक की पहली ऑफिशियल समिट कब हुई थी, ऑफिशियली ये कब स्टैब्लिश हुआ था, तो 2009 में ये ऑफिशियली स्टैब्लिश हुआ था। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि 2001 है कि 9 है, तो अगर आपसे पूछेंगे कि इसका टर्म कब कॉइन हुआ था, आइडिया कब आया था, तो आइडिया आया था 2001 में, ऑफिशियली कब स्टैब्लिश हुई थी, 2009 हो गया था इसको ऑफिशियली होते होते। साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ था, तो 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था, है ना। ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। इस बार 2024 में ब्रिक्स की चेयरमैनशिप होल्ड कर रहा है रशिया।
इसमें हम मोटो देखेंगे कि जब वो चेयरमैनशिप होल्ड कर रहा है तो उसका मोटो क्या है, तो स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, है ना। तो देखिए इसमें जो है वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज हैं और 5 न्यू नेशंस भी आ चुके हैं, तो इतनी सारी इकोनॉमी अब ब्रिक्स का हिस्सा बन गई है। इसलिए ग्लोबल डेवलपमेंट की बात की गई है और सिक्योरिटी की बात की गई है। तो मोटो अगर आप ध्यान रखेंगे तो स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट और सिक्योरिटीज का मोटो है, ठीक है। अब आगे देख रहे हैं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। तो अब वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है तो गुजरात में ही हुआ होगा। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, थीम आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, गेटवे टू द फ्यूचर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वेन्यू तो हमको पता ही है, गुजरात लिखा हुआ है तो ऑफकोर्स ये जो है गुजरात में होगा। इसमें एक चीज पूछ सकते हैं कि कौन कहाँ के प्रेसिडेंट आए थे ये अटेंड करने, तो टिमोर लेस्ट के प्रेसिडेंट आए थे, ठीक है। तो इसको टिमोर लेस्ते भी बोलते हैं, टिमोर लेस्ती भी बोलते हैं, आपका जो भी आप प्रोनाउंस करें। तो टिमोर लेस्ते के प्रेसिडेंट आए थे, इनका नाम है डॉक्टर जोजे रामोस, ठीक है। डॉक्टर जोस जो भी आप लोगों का प्रोनाउंसिएशन है, आप बिल्कुल फ्री रहिए, प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत नहीं है, नाम याद रहना चाहिए। पर तो टिमोर लेस्ते के प्रेसिडेंट डॉक्टर जोस रामोस होर्ता जी इंडिया विजिट किए थे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के दौरान, जिसकी थीम थी गेटवे टू द फ्यूचर। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। दैट्स इट। इसके साथ हमारा जनवरी मंथ का नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही इवेंट्स खत्म हो जाते हैं। कल भी सेम टाइम पर हमारी एक मैराथन क्लास रहेगी, जिसमें बची हुई जनवरी मंथ की हम सारी स्पोर्ट्स, डिफेंस, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, बुक्स, हर एक चीज डिस्कस करेंगे। और कल मैराथन क्लास के साथ हमारा जनवरी का भी पूरा का पूरा करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा बच्चों। फिर सिर्फ फरवरी और थोड़ा सा मार्च का मंथ रह जाएगा और फिर आपका पूरा करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा, और जो बच्चे क्लास में ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो जय हिंद, टेक केयर, और अच्छे से रिवाइज करिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।